हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मच अवेटेड पास जो कि ओपन हो चुका है, सच पास। और ये पास सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में। जैसे कि बहुत सारे बैकपैकर्स हैं ऑलरेडी अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और मूव कर रहे हैं इस पास को एक्सप्लोर करने की, बट ये वीडियो है उन्हीं ट्रैवलर्स के लिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की रोड कंडीशन है, क्योंकि अगर आप बिना जाने इस पास को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो आपको बता दें कि आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अगर हम बात करें दिल्ली से सच पास तक के सर्किट की, तो अगर आप दिल्ली से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली आपको टू वे रोड्स मिलने वाला है, और उसके बाद पठानकोट के बाद भी अगर आप जर्नी स्टार्ट करते हैं तो पठानकोट से लेकर और चंबा तक रोड सिंगल है, बट फिर भी काफ़ी कोजी है। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका टेस्ट, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम मोस्टली, जो भी है 120 किलोमीटर का बचा हुआ ट्रैक है चंबा से, वो उस पर पूरे रास्ते पर कंस्ट्रक्शन चला हुआ है, पूरी तरह से मर्ड और डस्ट से एक्सप्लोर हुआ है। काफ़ी जगह आपको नो मैंस लैंड भी मिलेगा और रोड नाम की कोई भी चीज़ नहीं मिलने पा रही है, क्योंकि पूरी रोड्स पर पत्थर ही पत्थर बिछाए हुए हैं। तो अगर आप फोर व्हीलर या टू व्हीलर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आप सोलो राइड करें या फिर साथ में। और अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं या साथ में भी राइड कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि आपके पास सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ साथ जितने भी टूल किट्स वगैरह हैं वो सब अवेलेबल हैं, क्योंकि मोस्टली आपको रास्ते में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए टेक केयर, अगर आप इस ट्रैक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। रास्ता बहुत ही वाहियात है, बहुत ही गंदा है, तो जस्ट बी एंड इंश्योर योर सेफ्टी। सो इसी विशेष के साथ कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, वी क्लोज दिस वीडियो। इंजॉय।